महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या के प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर और क्षीरेश्वर नाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य सलिला सरयू में स्नान के साथ सरयू तट के किनारे स्थित पौराणिक नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर कतारबद्ध होकर शिव भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में जय श्री राम के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला का दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाशिवरात्रि पर शिव भक्त बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं। सरयू में स्नान कर अयोध्या के प्राचीन मंदिर नागेश्वर नाथ में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान भोलेनाथ के नारे लगा रहे हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का मानना है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, जिसके लिए भगवान भोलेनाथ से यही कामना करते हैं कि देश में अमन और शांति से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। संसार की सुख शांति के लिए हम भगवान भोलेनाथ से कामना करने आए कि भगवान भोलेनाथ पूरे संसार को सुख शांति प्रदान करें और अयोध्या में बन रहे उनके आराध्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भव्य और उच्च शिखर तक प्राप्त करें, इसी कामना के साथ हम जो मनोकामना मांगा जाता है वो सब पूरा होता है। और यहाँ आज हम मांगे हैं हमारे बच्चे सब सुखी रहे और सब कुछ सब ठीक ठाक है और यहाँ जन्मभूमि बन जाए और मंदिर बन जाए, हम लोग दर्शन करने पाए रोज, यही मनोकामना है। वही महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या नगर में आने वाले प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया गया है, किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश नहीं मिल पा रहा, तो वहीं मंदिरों तक पहुंच रहे श्रद्धालुओं को लेकर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है।